ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बेवकूफ औरत, ये शरीर ही तो रास्ता है जलाल को पाने का, इसे जला दिया। अब उत्सव का समय हो गया है, चलो उत्सव के जरा मजे लिए जाए। मोतीबाई, आपको क्या हो गया है जोधा? इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही हैं आप? आपके बर्ताव को लेकर सब सवाल उठा रहे हैं। चुप! अब एक शब्द और नहीं, जितना कहते उतना करो, दासी हो सेवा करो, हमसे सवाल जवाब मत करो, समझी तुम? उत्सव का समय हो रहा है, तैयार करो हमें। वो नहीं, इसे खोलो। शहंशाह, मेवाड़ के लिए मुहिम रोक दी जाए क्या? लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि जब हम हमला करें तो हम पूरी तैयारी के साथ हमला करें। हम अब लोगों से इजाजत चाहेंगे। क्या है ना, हमारी बेगमात की हमसे शिकायत होती है कि हम उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारते। आपसे बाद में मुलाकात होती है। कोई सबूत मिला शाहबुद्दीन के खिलाफ? नहीं अबू फजल साहब, बहुत चालाक लोग हैं वो। ऐसा आदमी ऐसे वक्त में शहंशाह की जान का बहुत बड़ा दुश्मन बन सकता है। अबू फजल साहब, धोखेबाज किसी का नहीं होता, और ऐसे इंसान का सच सामने लाने के लिए हमारे पास एक योजना है। तुमने हमारी कल की रात खराब की थी ना जोधा, अब तुम देखना, हम तुम्हारी आने वाली सारी रातें तुमसे छीन लेंगे। हम जानते हैं कि तुमने क्या खेल खेला है, पर तुम नहीं जानती कि मेरे पास इसका भी दोष है। मिलते हैं मुकाबले पर। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जोधा। जान, वो देखिए, जोधा बेगम आ गई हैं। आपने उनसे बात की क्या? नहीं, मौका ही नहीं मिला। जैशन के बाद बात करेंगे। जोधा ने दूर से ही सलाम किया, पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं।
रुकैया बेगम हमारे सामने खास पेशकश रखना चाहती है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि रुकैया बेगम आखिर वो खास पेशकश है क्या? शहंशाह हमेशा अपने अजीजों को बेशकीमती तोहफे देते हुए आए, लेकिन इस बार हमने कोशिश की है कि उनके सामने कुछ ऐसा पेश करें जिनसे उनकी दिलजोई हो। भोपाल की मशहूर अक्कासा बुलाने की इजाजत है शहंशाह? रक्स पेश किया जाए। जल्द शहंशाह की नजरों में ये रक्का सा बस जाएगी। मुझे जोधा समझकर गलती कर रही हो रुकैया। मैं जोधा ने जो सब सह जाऊं। वाह रुकैया बेगम वाह। प्रशंसा की जाए। नृत्य क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। शक जायज है, कुछ तो गड़बड़ है जोधा के साथ। वो बूढ़ी घोड़ी हमें नीचे दिखाना चाहती थी, उसके सारे अरमानों पर भारी फेर दिया हमने। आ गया, कैसा लगा हमारा नृत्य? अब तो अब मानते हैं ना।
कि वो रखा था हमारे सामने कुछ नहीं। एक रकासा से आपका मुकाबला हमें अच्छा नहीं लगा जोधा। क्यों नहीं? कितनी प्रशंसा कर रहे थे आप उन सबकी? तो क्या हुआ, अब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे दिल में आपकी जगह क्या है। कम से कम आपको सौदे का तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आपके रक्स से हमें कोई गिला नहीं है जोधा बेगम, लेकिन इस तरह सबके सामने वो भी रकासा से मुकाबला किया आपने, वो हमें भाया नहीं। अब छोड़िए भीना, बड़ी बात ये है कि ये मुकाबला हम जीते हैं। और अब हमें हमारा इनाम चाहिए। पच्चीस साल हो गए जोधा को आगरा आए हुए। इन सालों में उन्हें एक बार भी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे जलाल या हमें शर्मिंदगी महसूस हो। इसी बात का तो खलल है अम्मी जान, कि आखिरकार अब ऐसा क्यों? आप लोगों को अब भी ये लग रहा है कि जोधा बेगम के साथ कोई गड़बड़ है? नहीं, दरअसल यही जोधा बेगम का असली चेहरा है जो इतने वक्त बाद आप लोग सबके सामने आया है। सब एक ही रास्ता बचा है। कैसा रास्ता अम्मी जान? हमें इस बारे में सीधे जोधा से बात करनी होगी, मालूम करना होगा कि आखिर ये सब क्यों कर रही है। एक बात और अम्मी जान, ये बात शहंशाह के ठीक सामने हो तो ही बेहतर होगा। हमारा मतलब ये है अम्मी जान कि इतना बड़ा मामला शहंशाह से छिपाना ठीक नहीं है। कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि ये भी जोधा बेगम के खिलाफ एक और नई साजिश है। ठीक है, हम कल सुबह ही जलाल से इस बारे में बात करेंगे। ये क्या कह रही हैं आप लोग बेगम? हाँ शहंशाह, हम सच कह रहे हैं। जोधा बेगम ने ना सिर्फ हमारे मरहूम वालिद साहब जनाब हिंदाल को भगोड़ा कहा, उन्होंने उन्होंने हमारे जन्मदिन की रात पर हमें दो तमाचे भी मारे। मैं यकीन नहीं हो रहा है, जोधा बेगम कभी ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती। अगर आपको हम पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद सलीमा बेगम से पूछ लीजिए, इनको भी कहाँ बख्शा जोधा बेगम ने। हाँ शहंशाह, रुकैया बेगम बिल्कुल ठीक कह रही है। आजकल ना जाने जोधा बेगम को क्या हो गया है, वो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। हम यकीन ही नहीं कर सकते। हमने जोधा को यही बुला लिया है जलाल, अब वही सबके सामने बताएंगी कि वो ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है। मलिकाए हिंद तशरीफ ला रही है। प्रणाम शहंशाह, आपने हमें बुलाया। रुकैया बेगम ने आप पे इल्जाम लगाया है जोधा बेगम कि आपने रुकैया बेगम और सलीमा बेगम के साथ बदसलूकी की, यहां तक कि आपने रुकैया बेगम पर हाथ उठाया। क्या यह इल्जाम सच है? अब आपसे कुछ पूछ रहे हैं जोधा बेगम, क्या यह इल्जाम सच है? वो हमें कुछ याद नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया शहंशाह। सफेद झूठ, ये क्या खेल खेल रही हैं आप जोधा बेगम? आप शहंशाह को सच क्यों नहीं बताते? बस रुकिए बेगम। लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने जोधा बेगम पर इतना बेजा इल्जाम लगाया। मगर जलाल, रुकैया बेगम जोधा बेगम कभी झूठ नहीं कह सकती। उस रात इनकी जरा सी तबीयत क्या खराब होगी, इन्होंने हमारे साथ जरा सा वक्त क्या गुजार लिया, आपने इतना बड़ा बेजा इल्जाम लगा दिया इन पर। रुकैया बेगम बस कीजिए, हम आप सबको ये बता देना चाहते हैं कि आज हमारे खास मेहमान मुल्तान के हाकिम आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल में हमने शाही दावत रखी है, इसलिए बेहतर होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब लोगों के बीच में जो गलत फहमी है उसे दूर कर अब सब के सब वहां मौजूद हो।
ये हमारा हुक्म है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जोधा बेगम ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। जोधा ने जो किया और रुकैया ने जो कहा, इस बात का सबूत बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। आप इस तरह से खुलेआम हमें सैर पर लाए, किसी ने देख लिया तो? अब छिपकर मिलने के दिन गए अनारकली। हमने अम्मी जान से हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात की है और अम्मी जान ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। अम्मी जान ने कहा कि वो खुद इस बारे में शहनशाह से बात करेंगी। सच? हाँ सच। अम्मी जान से बात कर ली, समझो हमने आधी जंग जीती। बस वो एक बार शहनशाह से बात कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। जल्द वो सुनहरा कल आएगा जब हम दोनों साथ में होंगे, जब आप अपना बीता हुआ कल भूल जाएंगी और हमेशा के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। आप हमारी शरीक हयात बनेंगी और मलिका हिंद भी। जरा हम ये तो देखें कि हमारी अनारकली मलिका के ताज में कैसी लगेंगी। कली हमें आपकी आंखों में आंसू नहीं, एतबार चाहिए। हमारे लिए एतबार, हम पर एतबार कीजिए, हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। हम बहुत खुश हैं शहजादे, मगर हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मल्लिका हिंद इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। हाँ, हैरानी तो हमें भी हुई कि अम्मी जान इतनी आसानी से मान गई, मगर फिर हमें समझ में आया कि आखिर अम्मी जान माने क्यों। वो मोहब्बत की अहमियत को समझती है। अरे वो भी अबू जान से बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए उन्होंने हामी भर दी। अनारकली अब हम अपनी जिंदगी मोहब्बत और सुकून से जिएंगे। और हम तो बस इस पल को जीना चाहते हैं जिसमें जिंदगी इतनी खूबसूरत है, जिसमें इतना सुकून है, जिसमें आप हमारे साथ हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? पति हम दोनों का है, सीधा साधा बंटवारा है। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें जो कुछ भी करना है हमारे साथ करो, और सबके सामने हमारा नाम मत खराब करो। सबके नजरों में हमारी बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक बेगम के रूप में हमने अपना नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, उसे खराब मत करो। ईश्वर के लिए मान जाओ। वास्ता दिया तो भी ईश्वर का, जिसमें हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। खैर, अब गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे मार दिया था। अब जिंदगी भर तुम ऐसे ही तड़पती रहोगी। नहीं, हम तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। हम सबके सामने अपने आप को अपमानित नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। चली जाओ, चली जाओ, सुन नहीं रही हो तुम? जो था बेगम, हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं। रुकैया बेगम ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया जोधा बेगम,
हमारी दरख्वास्त होगी कि बार बार अपनी बातों को याद करके खुद को दुख ना पहुंचाएं। हम सब जानते हैं कि रुकैया बेगम की बर्ताव कैसा है, कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वो किस हद तक जा सकती हैं। हम जानते हैं कि उनका मिजाज ही वैसा है। अब खुदा के लिए खुद को संभालिए, और रही बात रुकैया और अम्मी जान की, तो हम उन्हें संभाल लेंगे। हम यहाँ आपसे ये कहने आए थे कि आज रात जो हमारे खास मेहमान आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनकी दावत की पूरी निगरानी आप करें। हम चाहते हैं कि आप एक से बढ़कर एक लजीज पकवान बनाएं उनके लिए। ऐसा करेंगी ना आप? जी शहंशाह। ये हुई ना मल्लिका हिंद वाली बात। खैरियत रखे खुद का, हम आपसे बाद में मुलाकात करते हैं। शाही दावत मजार।